हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेटर राइटिंग। जैसे कि आपको पता है कि राइटिंग सेक्शन में आपकी दो चीजें पूछी जाएंगी। पहला आपका है एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि 5 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका लेटर राइटिंग, वो भी 5 मार्क्स की होगी। अब लेटर राइटिंग में आपका जो 5 मार्क्स का लेटर आएगा, उसमें से कुछ फॉर्मेट होते हैं लेटर के। एक तो लेटर होता है आपका फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो आप किसी ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में किसी प्रिंसिपल, डीन वगैरह को या एडिटर वगैरह को आप लिख रहे होते हो, ठीक है। तो फॉर्मल टोन इसकी होती है। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर नॉर्मली अपने भाई को, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, इनको लिख रहे होते हो, ठीक है। दोनों के फॉर्मेट काफी अलग होते हैं। हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो फॉर्मल लेटर्स है, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस में 4 दिए गए हैं। इन 4 में से कोई भी आपको और करके 2 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये 2 लेटर आ सकते हैं। लेटर टू एडिटर है पहला, कंप्लेन है दूसरा, प्लेसिंग ऑर्डर है तीसरा, इंक्वायरी है। अब इन 4 में से 2 आ सकते हैं और करके आपको 1 करना हो सकता है, या दोनों इसके फॉर्मेट के आ सकते हैं, एडिटर के फॉर्मेट के, आपको 1 करना होगा। तो इन 4 में से मेनली कोई भी एक लेटर आपको एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, जहाँ एडिटर को लेटर लिखते हो, यानी कि जो आपका न्यूज़पेपर का, जो न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पे न्यूज़ वगैरह देते हैं, तो उसे एडिटर बोलते हैं। तो वो जो एडिटर होते हैं उनको लेटर लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है पर भी। दूसरा, लेटर फॉर कंप्लेंट। आपको कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज करनी है, आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है कहीं से, ठीक है, उसकी सर्विस आपको अच्छी नहीं लगी, प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, फोन आपने खरीदा है वो कहीं से टूटा हुआ है कुछ है, तो आप क्या है उसके मैनेजर को कंप्लेन लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, मुझे या तो उसे आप प्रोडक्ट को वापस करें या मुझे अपना रिफंड दें। दूसरा, प्लेसिंग ऑर्डर। आपको कुछ सामान मंगाना है, ठीक है, आप लाइब्रेरी के लिए आपको सामान मंगाना है, किताबें मंगानी है, तो आप ऑर्डर प्लेस के लेटर लिख सकते हो। चौथा है लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरी। आप इंक्वायरी लाइक आप पता करना चाहते हो किसी इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स के बारे में, किसी कोचिंग के बारे में, तो आप लेटर लिख सकते हो फॉर्मली कि इसमें क्या क्या कोर्सेज है, कितना ड्यूरेशन है, कितनी फीस वगैरह है। तो ये 4 तरह के लेटर हमें करने हैं, इसमें से पहला लेटर आज हम करेंगे लेटर टू एडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। पहले हम इसके फॉर्मेट को समझते हैं कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में जब 5 मार्क्स का आपका लेटर आता है, उसमें से आपके 2 मार्क्स फॉर्मेट की होते हैं। अगर आपका लेटर का फॉर्मेट ही ठीक नहीं है, तो अब लेटर आपने क्या लिखा है, जो कंटेंट है, वो मैटर नहीं करता। पहले एग्जामिनर आपका फॉर्मेट देखेगा कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट एकदम ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसके 2 मार्क्स आपके होंगे, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं जो आप इसके अंदर लिख रहे हो, और 1 मार्क आपका एक्सप्रेशन का होता है कि जो आपने लिखा है वो कितना एक्यूरेटली लिखा है, कितना ग्रामेटिकली सही लिखा है, कितनी वोकैबुलरी का आपने यूज किया है। इस तरह से 5 मार्क्स आपको इस पर मिलते हैं। तो 2 मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं, तो आप फॉर्मेट देख सकते हो उसका। ये फॉर्मल लेटर, इतनी फॉर्मल लेटर होते हैं, जितने टाइप्स के फॉर्मल लेटर हैं सबका यही फॉर्मेट आपका चलने वाला नॉर्मली, ठीक है। अभी हम लेटर टू एडिटर देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी के 4 जो लेटर्स है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ज्यादा नहीं है। बट नॉर्मली किसी फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हो, चाहे वो कोई भी फॉर्मल लेटर हो, उसका जो जनरली फॉर्मेट होता है वो ये होता है, ठीक है। लेटर टू एडिटर भी क्या है, फॉर्मल लेटर है, तो उसका फॉर्मेट हम यही लेंगे। इस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, पहले आपने देखा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि पहले जब लेटर लिख रहे हो कोई भी फॉर्मल लेटर, तो आपको सबसे पहले क्या मेंशन करना है, सेंडर्स का एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। ये जो आपका लेटर का जो फॉर्मेट है, ये सीबीएसई की साइट से ही है, मतलब ये लेटर का फॉर्मेट जो है वो सीबीएसई अप्रूव करती है। इस लेटर के फॉर्मेट, अगर लेटर आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो तो फॉर्मल लेटर में काउंट होगा, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मेट में आपको लिखना है, सेंडर्स का एड्रेस, यानी कि जिसको आप लेटर, सॉरी, जो लेटर भेज रहा है उसको अपना एड्रेस सबसे पहले मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में लेटर का सेंडर एड्रेस दिया जाए, आपको बताया जाए कि आप अंकिता हो या अंकित हो, ठीक है, आप यहाँ रहते हो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपका नाम ये है और आप यहाँ यहाँ रहते हो, तो आप वो एड्रेस लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और वो नाम, वही नाम आपको यहाँ मेंशन करना है लास्ट में, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। अगर बाय चांस नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो। आप अपना एड्रेस बिल्कुल भी ना लिखे, बच्चे गलतियां करते हैं, अपने एड्रेस लिखते हैं अपने मन मर्जी, आपको अपनी मर्जी कुछ नहीं करना है। अगर आपको एड्रेस नहीं मिला है, तो आप एक्स वाई जेड, ठीक है, या एबीसी वगैरह लिख के आप, ठीक है, एक्स एक्स जीरो जीरो एक्स डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एड्रेस नॉर्मली बन गया, ठीक है, अगर एड्रेस नहीं है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये है कि आप एड्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपको एड्रेस नहीं मिला क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन मिला, उसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल देखेंगे, हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि आपको किस तरह से लेटर दिया गया होता है। उसमें आपको एड्रेस मिला होता है पहले से ही कि आपका नाम ये है और आप यहाँ रहते हो। अगर आपको एड्रेस मिला है, अच्छी बात है, आप एड्रेस लिखिए,
नहीं मिला है तो आप ऐसा ड्रॉ फॉर्मेट दे सकते हैं, एबीसी या पिन कोड वगैरह आपने डाल दिया नॉर्मली, ठीक है, 00 लिख के। एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल भी काफी मेंशन कर सकते हो कि मैं जहां बैठा हूं वो क्या चीज है, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल या सेंटर एड्रेस में मेंशन कर सकते हैं अगर एड्रेस ना हो, ठीक है, अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला है आपका, आप एक लाइन यहाँ पर बीच में छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक लाइन नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक लाइन छोड़ना जरूरी है, बट अगर आप लाइन छोड़ोगे तो क्या है, काफी फॉर्मेट आपको अच्छा हो जाएगा, काफी ज्यादा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, और पढ़ने में आसानी होगी, काफी क्लैरिटी आपकी आ जाएगी एग्जाम में लिखने के लिए अगर आप लाइन छोड़ के लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैसी हो रहा है कि जगह की वजह से मैंने लिखा है, तो जब सेंटेंस एड्रेस आप लिखते हैं तो यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, उस लाइन से क्या होगा आपका जो पेज ज्यादा मैसी नहीं होगा और काफी ज्यादा अच्छा क्लियरिटी से दिखेगा, ठीक है। अगला है कि आपका डेट, डेट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाह सकते हैं लेकिन आपको डेट इसी फॉर्मेट पे लिखनी है, फॉर्मेट आप डेट का देख लें 13th August 2023, ठीक है, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसे डेट लिखते हो 13/8/23, ठीक है, या 13/8/23 लिख देते हो, ठीक है, या 13/8/2023 लिख देते हो, तो ये सारे फॉर्मेट गलत है, इतने फॉर्मेट आप लिख रहे हैं सब क्या है, गलत है। इस तरह से डेट आप मेंशन लेटर में नहीं कर सकते किसी फॉर्मल लेटर में। तो फॉर्मल लेटर में डेट मेंशन करने का तरीका क्या है, आपको पहले लिखना है डेट की, क्या डेट है आज, मान लो 13 डेट है आज, तो 13 उसके बाद लिखोगे PH, शॉर्ट में आप लिखोगे 13th ऑफ अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है, महीने का पूरा नाम लिखोगे, इस तरह से मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, पूरा नाम, फिर कॉमा लगा के आप लिखोगे 2023, कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है, ये फॉर्मेट आपका एकदम करेक्ट है। कभी कभी क्या होता है लोग मंथ को पहले लिख देते हैं, डे को बाद में लिख देते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, उसे भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट फॉर्मेट अगर इंडियन फॉर्मेट देखे तो वो यही होता है। अमेरिकन फॉर्मेट में ऐसा होता है कि मंथ पहले आता है, डे डे बाद में आता है, ठीक है, ईयर तो एंड में आता ही आता है। तो वैसे अगर आप इंडियन फॉर्मेट लिख रहे हो तो नॉर्मली आप ये फॉर्मेट लेके चलो 13th ऑफ अगस्त 2023, इसी फॉर्मेट में आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। इस तरह की डेट आप ना लिखिए 13/8/23/ नॉर्मली बच्चे लिखते हैं, उस तरह की डेट लिखने से आप बचे। इसके बाद आप लाइन छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप पे इच्छा पे निर्भर करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं छोड़ोगे तो आपकी मर्जी है। अगर इसे तो आप रिसीवर एड्रेस, अगला आप लिखोगे कि अब जो लेटर आपने लिखा है वो लेटर आप किसको लिख रहे हो, जो लेटर आप लिख रहे हो वो नॉर्मली आप किसको एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपको लिखना इसमें जरूरी है कि आप हमें एड्रेस, मान लो ये भी एड्रेस क्या होता है आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि आपको यहाँ इस तरह से एड्रेस लिखना है, ठीक है, आप मान लो आपको एडिटर को एड्रेस लिखना है, एडिटर कहाँ का एड्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, नवभारत टाइम्स, कोई भी आपको जो न्यूज़पेपर वगैरह होती है उसी कंपनी का आपको नाम दे देगा कि यहाँ के एडिटर हैं और कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर में या मुंबई के हेडक्वार्टर में, कहीं भी, तो वो आपको नॉर्मली एड्रेस क्या है मिल जाता है। अच्छा, एड्रेस में क्या है आपको डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन क्या होता है, उस इंसान का पद जिसको आप, ये लेटर क्या है, आप उसको, आप किसको क्या कर रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो लेटर, ये सर हम आपसे जिसको भी लेटर भेज रहे हो आप, तो उसका आप यहाँ पर उसका पोजीशन मेंशन करोगे, उसको भी लेटर आप भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन में द मैनेजर, मैनेजर को आप भी लेटर क्या कर रहे हो, सर आपको मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, द मैनेजर लिखोगे, उसके बाद आप एड्रेस लिखोगे, ठीक है, डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। अगला क्या है, आप लिख सकते हो द एडिटर, अगर आप एडिटर को लेटर लिखना चाह रहे हो, ठीक है, ये लिख सकते हो द, आपका हो गया क्या बोलते हैं द एच, उसे लिख सकते हो आप, द एडिटर हो गया, द मैनेजर हो गया, आप किसी भी चीज को लाइक द आपका हो गया एचआर लिख सकते हो आप, ठीक है, जो इंटरव्यूअर है एचआर अगर आप लिखना चाह रहे हो, मैनेजर वगैरह, ठीक है, तो ये क्या है आपके डिजिग्नेशन है, कोई एचआर है, कोई मैनेजर है, कोई एडिटर है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग पोजिशन होती है, ठीक है, प्रिंसिपल लिख सकता प्रिंसिपल, तो ये एप्लीकेशन को हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल वगैरह, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पहले आप डिजिग्नेशन लिख सकते हो उस वाली लाइन में, और फिर उसके नीचे लिख सकते हो आप रिसीवर का एड्रेस, कि जो एड्रेस है वो आप क्या लिख रहे हो, लाइक कि वो कहाँ रहता है, मैनेजर कहाँ का है, ठीक है, मैनेजर आपका मान लो नवभारत टाइम्स का है, या एडिटर नवभारत टाइम्स का है, या मैनेजर आपका इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, कुछ भी है, ठीक है, उसका एड्रेस, और उसका एड्रेस आप बाद में लिखोगे, पहले आप लिखोगे डिजिग्नेशन, ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेजर करते हो रिसीवर एड्रेस और डिजिग्नेशन, ये कहाँ जाता है इस लाइन में। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है, उस लाइन छोड़ने के बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, जो कोई भी लेटर है आपका, उस लेटर में आप जो सब्जेक्ट लिखोगे उसमें केवल आपको एक लाइन में उसका सब्जेक्ट मेंशन करना है, लाइक कोई भी लेटर है आप लिख रहे हो लेटर फॉर कंप्लेन, तो आप लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग लेटर फॉर कंप्लेंट अबाउट मोबाइल फोन परचेजिंग मोबाइल फोन,
मैंने मोबाइल फोन खरीदा था उसके बारे में कंप्लेन लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। या लिख सकते हो लेटर टू एडिटर फॉर दिस प्रॉब्लम, आपके जो गांव वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके विलेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, गड्ढे वगैरह ठीक नहीं है, तो आप चाहते हो न्यूज पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाए अवेयरनेस के लिए कि यहाँ पर गड्ढे ठीक कराए जाएँ, MCD हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो आप लिख सकते हो कि आपकी लेटर टू द एडिटर फॉर द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम मेंशन उसमें कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट क्या है आपका, एक लाइन या एक फ्रेज का होना चाहिए, दो तीन लाइन में सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट भी आपको क्या है क्वेश्चन पेपर में जनरली मिल जाता है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे ध्यान से, उससे बहुत चीजें होती हैं, सेंडर्स का एड्रेस उसमें होगा, ठीक है, कभी कभी डेट दे देते हैं, पर डेट नहीं है तो आप आज की डेट लिख सकते हो, करंट डेट लेके चल सकते हो। अगला क्या है, रिसीवर एड्रेस क्वेश्चन में होता है, ठीक है, डिजिग्नेशन किसको लेटर लिखना है वो तो क्वेश्चन में होता है, कभी कभी खाली रिसीवर एड्रेस लिख सकते हो, कभी कभी डिजिग्नेशन लिखना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, सब्जेक्ट भी आपको उसमें होता है कि किस वजह से हमें लेटर लिखना है, वो रीजन भी दिया होता है, उस रीजन को आप एक लाइन में बनाकर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगला क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं हम कि हम जिसको भी जो बड़ा आपका जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या है, हमें उसे जो रेफर कर रहे हैं उस लेटर को, तो उसमें हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, आप रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, उसे आप कैसे, आप आपका हो गया डियर सर, ठीक है, या मैम। तो ये जो रेस्पेक्ट जो सैल्यूटेशन के तरीके हैं, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, ये सब गलत है, ठीक है, ये नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, ये आपके तरीके जो है रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, ये सब तरीके हैं। नॉर्मली एक ही तरीका अब चल रहा है सैल्यूटेशन में, केवल आप इतना लिखें, अगर सैल्यूटेशन आपको लिखना है सर अगर मेल है, नहीं तो मैम, आप खाली सर लिखें अगर वो मेल को आप लिख रहे हो, और अगर फीमेल आपको पता है फीमेल है तो आप मैम लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना आप डियर लिखो ना आप रेस्पेक्टेड लिखो, ठीक है। ये फॉर्मेट मैं अपनी तरफ से जो प्रेफर करता हूँ वो ठीक नहीं होते, CBSE काफी ज्यादा आप सर लिख रहे हो, सर को रेस्पेक्टेड लिखने की क्या जरूरत है, जो सर है वो ऑलरेडी रेस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, सर आप उसे, आप सर उसे कह इसी वजह से रहे हो क्योंकि वो रेस्पेक्टेड है, तो आप रिस्पेक्ट ऑलरेडी उसको दे रहे हो, तो रेस्पेक्टेड फालतू के बाद लिखना, डियर वगैरह लिखना, ठीक है, तो ये सब मैं जरूरी नहीं समझता इस लेटर में। तो नॉर्मली लेटर के फॉर्मेट में आप खाली सर या मैम लिखो सैल्यूटेशन में, ठीक है, इतना भी बहुत काफी है, इसे भी नंबर मिल जाते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है, तो आपने देखा कि सेंडर्स एड्रेस डेट लाइन छोड़, सेंडर्स एड्रेस लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जब लाइन छोड़ो तो काफी अच्छा आपका वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा आएगा। तो सैल्यूटेशन आपने लिखा, फिर उसके बाद आप लाइन छोड़ सकते हो, हम लाइन क्यों छोड़ रहे हैं, लाइन छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्लैरिटी आए उसमें, कभी मैसी ना हो जाए हमारा काम, ठीक है। अगला क्या है, बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर जो आपकी, इसमें आपको लाइन्स लिखनी होंगी काफी अच्छी अपने आप से बनाकर, ठीक है। अब इसमें तीन तरह की बॉडी आपके लेटर की होती है, तीन पैराग्राफ आप एटलीस्ट लिखो, अगर आप कोई लेटर लिखो एडिटर का तो एटलीस्ट तीन पैराग्राफ आपको लिखने हैं, चाहे फॉर्मल लेटर कोई सा भी हो, एडिटर का हो या कंप्लेन का हो, ऑर्डर का, कुछ भी हो, उसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, तीन पैराग्राफ एटलीस्ट आप उसमें इंक्लूड करो, चार हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पैराग्राफ जो होगा आपका वो होगा इंट्रो का, यानी एक दो लाइंस आप कैसे दोगे पैरा वन में, पैराग्राफ वन में दो एक दो लाइंस दे दो, तीन चार लाइंस दे दो, मिनिमम लाइंस लिखी है मैंने इंट्रो की, कि हम लेटर कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी भी कुछ आपकी फिक्स लाइंस होती हैं, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, हम आगे एग्जांपल में बताएंगे कि इंट्रो की क्या क्या लाइनें फिक्स हैं, उन लाइंस को आप यूज करके अपने इंट्रो में, हर लेटर के इंट्रो में वो ऑलरेडी फिट हो जाती हैं, ठीक है। अगला है आपका कंटेंट। अब कंटेंट आपको थोड़ा सा लेंथी रखना है, कंटेंट में आपका आ गया कि आप उस चीज को, प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है लेटर, जो आप जिसकी वजह से लेटर लिख रहे हो उसे आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, कौन क्या एक्शन ले रहा है, लेना नहीं चाहिए मुझे, आपके पब्लिक पे क्या एडवाइस है, तो हर चीज आप कंटेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी आप लिखोगे 6-7-8 लाइन का। अगला आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, लेटर को बंद कर रहे हो, तो लेटर को बंद करते हुए आपको एक अच्छे से क्लोज करते हुए लेटर को लिखना है। अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो आप कह सकते हो एडिटर को लेटर करते हुए कि आप कुछ एक्शन लें, कोई स्पेसिफिक एक्शन आप इसके लिए डिजाइव करें, ठीक है, आप जो है हमारे जो सिचुएशन है उसको न्यूज पेपर में प्रिंट करें, ठीक है। तो कुछ भी आप रिक्वेस्ट वगैरह एंड में कर सकते हो कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेटर पे ध्यान देंगे, आप रिक्वेस्ट वगैरह करते हो, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके आप लेटर को खत्म कर सकते हो वो रिक्वेस्ट वगैरह करके, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है, बॉडी लेटर की खत्म हो गई, हमने दो या तीन पैराग्राफ लिख दिए, पहले हमने प्रॉब्लम का इंट्रो लिखा, लेटर स्टार्ट कैसे करना है, फिर हमने लिखा कंटेंट, उस लेटर की प्रॉब्लम हमने एक्सप्लेन किया क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्सप्लेनेशन है, फिर हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि अब उस लेटर को खत्म करते हैं कोई रिक्वेस्ट करके, या जो हम चाहते हैं कोई एक्शन लिया जाए, जो हमारी मर्जी है हम लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, कोई कंप्लेंट का लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि मुझे या तो रिफंड मिल जाए या मुझे जो जो वारंटी में प्रोडक्ट मेरा ठीक करके दिया जाए,
वो एंड में लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्या है, योर्स ट्रूली सिंसियरली, ये होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हो आप, योर्स ट्रूली या सिंसियरली, यही दो वर्ड बहुत चलते हैं। यहाँ पर ओपिडेंटली वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन में आता है, पर यहाँ लिखोगे ट्रूली या सिंसियरली, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, पर ध्यान रहे स्पेलिंग और फॉर्मेट योर्स ट्रूली और सिंसियरली का यही होना चाहिए। अब बहुत बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बच्चे इस तरह से लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर ट्रूली, योर्स ट्रूली। तो इन तीनों फॉर्मेट में आप क्या देख रहे हो, ये भी फॉर्मेट गलत दिखने का, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये ठीक है। कैसे, इसमें हमने देखा सारी चीजें हमने कैपिटल में लिख दी है, ये फॉर्मेट गलत है। अगला क्या है, योर्स ट्रूली, इसमें हमने वाई भी वाई कैपिटल में रखा है, ये ठीक है, लेकिन हमने टी भी क्या कर दिया, कैपिटल बना दिया, ये फॉर्मेट गलत है। अगला हमने क्या लिखा, योर ट्रूली, इसमें हमने यहाँ पर एस में लगाया, ठीक है, ये फॉर्मेट एकदम ठीक है। इस फॉर्मेट में क्या है कि ये सब स्मॉल लेटर, सारे स्मॉल लेटर होंगे आगे, टी भी स्मॉल होगा आपका, और योर स्पेलिंग सही होगी वाई ओ यू आर एस, योर्स, ठीक है, फिर टी आर यू एल वाई, ट्रूली, ट्रूली का टी छोटा होगा, योर में एस लगेगा, और वाई क्या होगा, कैपिटल होगा। ये तीनों गजी तीनों फॉर्मेट बच्चे लिख देते हैं गंदी से जल्दबाजी में, योर्स ट्रूली या योर्स ट्रूली, सब कुछ कैपिटल बना देते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं, टी को बड़ा बना दिया, वाई को बड़ा बना दिया, या कभी कभी टी को छोटा तो बना दिया लेकिन योर के आगे एस लगाया, योर ट्रूली कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मली मिस्टेक है जो सिली मिस्टेक बच्चों से हो जाती है, तो ध्यान आपको रखना है कि योर ट्रूली का फॉर्मेट यही है, इस तरह से सिंसियरली में एस छोटा बनाएंगे और स्पेलिंग यही लिख कर आएंगे, ठीक है, आप स्पेलिंग याद रखते, ये चीज़ क्या होगी, सब्सक्रिप्शन होगी। अब लास्ट में मेंशन करोगे नेम, जो भी लेटर लिख रहा है ये नेम या तो आपको दिया होगा आपके क्वेश्चन में, अगर नाम नहीं है तो अपना नाम बिल्कुल नहीं मेंशन करोगे, अनलेस में कहा जाए लेटर में कि आप खुद लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो अब आपको अगर नाम अपना मेंशन नहीं करना है, लेटर में नाम नहीं है, तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड लिख के छोड़ दोगे, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब यह डिजिग्नेशन, कभी कभार डिजिग्नेशन दे दी जाती है लेटर में, लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख सकते हो डिजिग्नेशन में, अगर आपको डिजिग्नेशन दी है कि आप क्या हो, आप कहीं के हेड हो, या आप क्लास के बोल सकते हो, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो, या स्कूल के आप क्या हो, हेड बॉय हो, तो आप ना जो पोजीशन है मेंशन कर सकते हो कि मैं सोसाइटी का क्या हूँ, मैं सोसाइटी का कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं कहीं का संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी हूँ, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो नीचे कि मैं कहीं का कोऑर्डिनेटर हूँ, अपनी पोस्ट, यहाँ किसकी पोस्ट मेंशन करोगे आप, उसकी जो लेटर लिख रहा है, इसने भी लेटर लिखा है, वो अपने नाम की जगह देगा, पोस्ट मेंशन करेगा मैं किस पोस्ट में हूँ, मैं हेड बॉय हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, क्या हूँ, ठीक है। लास्ट में एनक्लोजर लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। एनक्लोजर में क्या है कि आपको एनक्लोजर में लिखना होगा आपको कि आप लेटर के साथ क्या क्या अटैच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कभी कभी लेटर के साथ आप फोटो वगैरह अटैच कर देते हो, ठीक है, कभी कभी लेटर के साथ आप अटैच कर रहे हो अपना सीवी रेज्यूम वगैरह, या आप कुछ पैम्पलेट वगैरह या बिल वगैरह, ठीक है, क्योंकि आप कंप्लेन लेटर लिखोगे तो आप लेटर क्या अटैच करोगे, बिल वगैरह अटैच करोगे, वारंटी कार्ड अटैच करोगे, ये सब मैं भेज रहा हूँ अटैच करके, देखो मेरे प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आई है, वारंटी में है कि नहीं, ताकि हमारा लेटर क्या लगे और ज्यादा एविडेंस के तौर पर हम चीजें भेज सकते हैं। तो वो चीज हम लेटर में कर सकते हैं कि एनक्लोजर, इसमें हम लिख सकते हैं आगे एनक्लोजर वन हो गया, टू हो गया, किस लेटर के साथ हमने क्या क्या और अटैच किया है, ताकि आप उसके साथ उसे भी देखें। कभी कभी क्या होता है, मतलब लेटर आया होता है, लोग देखते हैं क्या अटैच है कि नहीं, कभी कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, तो यहाँ लिख दोगे तो पता चल जाएगा कि इस चीज के साथ एक चीज है और अटैच थी, वो भी मुझे चाहिए। एनक्लोजर लिख दो कि मैंने यहाँ लिखा फोटोज कुछ अटैचेस के साथ, ठीक है, बिल्स ये सब मैंने अटैच किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया, किसका फॉर्मेट है ये, किसी भी फॉर्मल लेटर को अगर आप लिख रहे हो तो नॉर्मली आप किस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। अब एग्जांपल देंगे लेटर टू एडिटर का। अब लेटर टू एडिटर अगर आप लिख रहे हो तो सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, रिसीवर एड्रेस, डिजिग्नेशन लिखोगे, डिजिग्नेशन में कौन सा आएगा, सिर्फ द एडिटर का डिजिग्नेशन आएगा, क्या आएगा, द एडिटर से, मैनेजर एचआर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि आप किसको लिख रहे हो, लेटर एडिटर को लिख रहे हो। एडिटर कौन होता है, एडिटर आपका वो होता है जो न्यूज़पेपर वगैरह जो क्या आपके न्यूज़ वगैरह को प्रिंट करता है, ठीक है, उसी की परमिशन से जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है, न्यूज़ प्रिंट होती है, उसी की परमिशन से होती है, ठीक है। वो केवल आपकी हेल्प कर सकता है अवेयरनेस के लिए, जो प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी वगैरह में हो रही है उसको वो खत्म नहीं करेगा। लोग क्या सोचते हैं, एंड में लिख देते हैं फाइनल में कि एडिटर प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, आप मेरी प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करें। भाई एडिटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, अगर आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है,
आप एमसीडी के चक्कर काट रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आप एमसीडी को आप लेटर लिख चुके हो, कंप्लेन लेटर लिख चुके हो, आप थक गए हो, अब आप क्या करते हो, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हो कि हमारी आप एरिया में पानी का प्रॉब्लम है और हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, ना हमारी बात सुनी जा रही है एमसीडी वगैरह में, दफ्तर वगैरह में हम लेटर लिख चुके हैं, लिख चुके हैं और हम आपको फोटोज के साथ या पूरी एविडेंस के साथ ये लेटर लिख रहे हैं, आप हमारी प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करें और लोगों को अवेयर करें, जो भी सोसाइटी के अथॉरिटीज वगैरह कंसर्न है एमसीडी की नेशनल लेवल पे हर जगह लेके जाए बात और उन्हें बताएं कि इस एरिया में इतनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होगा, उन्हें प्रेशर पड़ता है, जो सोसाइटी अथॉरिटीज वगैरह होती है इनकी वजह से पानी नहीं आ रहा होता है उनपे, क्या है उस लेटर की वजह से वो छप जाता है लेटर किसमें, न्यूज़पेपर में, तो उन्हें प्रेशर पड़ता है कि इस एरिया में पानी नहीं आ रहा है और आप प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हो, इस प्रेशर में वो अथॉरिटीज क्या है काम कर देती है। तो हम एडिटर को केवल इतना ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो आप न्यूज़पेपर में मेंशन करो, उसको प्रिंट करो, ठीक है। आप एडिटर को ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉब्लम क्या करो, सॉल्व करो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो आप ये लाइन इस्तेमाल ना करें, इससे बचें, और एडिटर का जो लेटर का फॉर्मेट है वो सेम यही होने वाला है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद, तो हम एग्जाम्पल देख लेंगे एडिटर का नेक्स्ट पेज पर।